हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आपका होस्ट स्वर्णिम गुप्ता स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेंड ज्ञान। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्रिकेट मैच की मैच प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो टीम है वो जाने वाली है श्रीलंका के टूर पर, वहाँ खेले जाएंगे उनके कुछ टेस्ट मैच की सीरीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के फर्स्ट टेस्ट मैच की मैच प्रिडिक्शन के बारे में। आज आपको मैच की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताऊंगा उस ग्राउंड के सारी इन्फॉर्मेशन, ग्राउंड के सारे फैक्ट्स क्या हैं, किस ग्राउंड पर मैच है, कब टेलीकास्ट होगा, किस ग्राउंड पे है, क्या ग्राउंड के फैक्ट्स क्या हैं, स्टैट्स क्या हैं, रिकॉर्ड्स क्या है, पिच बिहेव पिच कैसी रहेगी, पिच रिपोर्ट क्या है, पिच का बिहेवियर कैसा रहेगा, किसके ज़्यादा फ्रेंडली रहेगी पिच, बैट्समैन के ज़्यादा फेवर में रहेगी या फिर बॉलर्स के ज़्यादा फेवर में रहेगी। अगर बॉलर्स के ज़्यादा फेवर में रहती है तो फास्ट बॉलर्स होने वाले हैं या फिर स्पिन बॉलर्स होने वाले हैं, टॉस फैक्टर क्या होने वाला है इस पिच पे, प्लेइंग इलेवन दोनों टीम की क्या क्या होंगी, और हाँ, अगर आपको ड्रीम इलेवन या फैंटेसी गेम खेलना पसंद है उसके रिगार्डिंग भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप अपने ड्रीम इलेवन की टीम में पिक कर सकते हैं अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और जिता सकते हैं अपनी टीम को। दोनों टीम्स के बीच में अब तक कितने मैचेस हुए हैं, हेड टू हेड मैचेस, हर एक फॉर्मेट में क्या रहा है, किसका रिजल्ट रहा है, कौन कितने मैचेस जीता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा दोस्तों, खेला जाएगा गैले इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच पे, गैले इंटरनेशनल स्टेडियम के ग्राउंड पे। अगर आपको स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं उस स्टेडियम की डिटेल में एक एक इन्फॉर्मेशन, पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर्ड अप है। बात करते हैं गैले इंटरनेशनल स्टेडियम के कुछ फैक्ट्स की। ये स्टेडियम ओपन हुआ था 1876 में ओपन हुआ था। इसकी कैपेसिटी 35,000 लोगों की है, एक साथ बैठ के 35,000 लोगों को मैच दिखा सकता है। इसे हम जानते हैं द एस्प्लेनेड नाम से, द एस्प्लेनेड ग्राउंड के नाम से जानते हैं। इसके एंड्स हैं, दो एंड्स हैं, सिटी एंड और फोर्ट एंड। लोकेशन जो है दोस्तों गैले सिटी में लोकेटेड है श्रीलंका की, और जो इसकी होम टीम है वो गैले क्रिकेट क्लब। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेडियम के फैक्ट्स के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर, क्या स्टैट्स रहे हैं स्टेडियम के, कौन सी टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए कितने मैच जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम कितने मैच जीती है, एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर क्या है, कितने मैच कौन से फॉर्मेट में खेले गए हैं। टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट फॉर्मेट में अब तक इस ग्राउंड पे 37 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 21 मैचेस जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 10 मैच जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर टेस्ट में 365 रन का है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 302 रन का है। हाईएस्ट स्कोर जो बनाया है वो बांग्लादेश की टीम ने बनाया श्रीलंका के खिलाफ, 638 पे 10 विकेट्स बनाए थे। लोवेस्ट स्कोर जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाया 73 पे ऑल आउट होके। अब बात करते हैं दोस्तों ओडीआई फॉर्मेट की, ओडीआई फॉर्मेट में क्या स्टैट्स रहे हैं इस ग्राउंड पे। अब तक इस ग्राउंड पे 8 मैच खेले जा चुके हैं ओडीआई के, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 3 मैच जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है 5 मैच जीत चुकी है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 194 रन का है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर जो है 186 रन का है। हाईएस्ट स्कोर जो बनाया है 322 पे 4 विकेट्स बनाए जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ, और लोवेस्ट स्कोर जो बनाया श्रीलंका की टीम ने बनाया, श्रीलंका वुमेन्स ने इंडिया वुमेन्स के अगेंस्ट 98 पे ऑल आउट होके। हाईएस्ट स्कोर जो चेज हुआ है ओडीआई फॉर्मेट में वो है 322 पे 4 विकेट जिम्बाब्वे ने किया था, जो कि इनका हाईएस्ट स्कोर भी अब तक का। लोवेस्ट स्कोर डिफेंड जो हुआ है इस ग्राउंड पे वो है 219 पे ऑल आउट हो गई थी इंडिया विकेट, इंडिया वुमेन्स की टीम श्रीलंका वुमेन्स के अगेंस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या हेड टू हेड रहा है इन दोनों टीम्स के बीच में, कितने कौन से फॉर्मेट में कितने मैचेस खेले गए हैं, कौन कितने मैच जीत चुका है, किसके कितने विनिंग परसेंटेज है हर एक फॉर्मेट की। अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो टेस्ट फॉर्मेट में अब तक इन दोनों टीम्स के बीच में 55 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से श्रीलंका जो है 16 मैच जीती है और पाकिस्तान की टीम जो है 20 मैच जीत चुकी है। श्रीलंका की विनिंग परसेंटेज जो है 29.09% है टेस्ट में, पाकिस्तान की है 36.36% टेस्ट में। अगर ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, ओडीआई में अब तक इन दोनों टीम्स के बीच में 155 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 58 मैचेस जो है श्रीलंका की टीम जीती है और 92 मैचेस जो है पाकिस्तान की टीम जीती है। श्रीलंका की विनिंग परसेंटेज 38.74% की है, पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज 61.25% की है। T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट की बात करें, T20 में अब तक दोनों टीम्स के बीच में 21 मैच खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका 8 मैच जीती है और पाकिस्तान जो है 13 मैच जीती है। विनिंग परसेंटेज श्रीलंका की T20 में 38.09% और पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज है 61.90%। तीनों ही फॉर्मेट में जो है पाकिस्तान लीड कर रही है श्रीलंका से। चलिए देखते हैं आज की सीरीज में क्या होने वाला है, क्या रहेगा, कौन जीतेगा। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें,
इस स्टेडियम की पिच कैसे होने वाली है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस स्टेडियम की जो पिच जो है वो बेसिकली स्पिन फ्रेंडली पिच है। जैसा कि आपने ODI फॉर्मेट के स्कोर भी देखे होंगे, 200 से कम का स्कोर जो है वो एवरेज स्कोर है। तो बेसिकली इस ग्राउंड की, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, बॉलर फ्रेंडली ग्राउंड है। तो इस पे आपको जो है स्पिन ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पिच जो है डेड पिच काउंट होती है, डेड पिच में आती है पिच। अगर स्पिनर्स अपने स्लो बॉल कराते हैं इस पिच पे, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, उनकी बॉल ज़्यादा स्पिन करेगी और बैट्समैन के कॉट बिहाइंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि वेदर रिपोर्ट क्या होने वाली है इस ग्राउंड पे, मैच के डे का वेदर कैसा रहेगा। प्रेसिपिटेशन के चांसेस 5% के हैं, ह्यूमिडिटी के चांसेस 71% के ह्यूमिडिटी के चांसेस है। विंड की स्पीड जो रहेगी दोस्तों 24 किलोमीटर पर आवर की विंड की स्पीड रहेगी, और टेम्परेचर जो रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में, कि प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की क्या होने वाली है। पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 होने वाली है, कैप्टन बाबर आजम रहेंगे इनके, अजहर अली, फवाद आलम, इमाम उल हक, शौद शकील, फहीम अशरफ, सरफराज अहमद, इनके विकेट कीपर हसन अली, शाहीन अफरीदी, नासिम शाह और यासिर शाह। ये थी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं श्रीलंका की टीम की प्लेइंग 11 टेस्ट स्क्वाड क्या होने वाली है। तो रहेगी पथुम निसंका, दसुन शनाका, धनुष्का गुणातिलका, धनंजय डिसिल्वा, वनिंदु असरंगा, चरित असलंका, भनुका राजपक्ष, चमीरा करुणारत्ने, दुष्मंता चमीरा, महेश तीक्षणा और नुवान थुसुरा। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन या फैंटेसी टीम की, कि मतलब कौन सी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप पिक कर सकते हैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उनके स्टैट्स मैं बताता हूँ, टॉप टू बॉलर्स, टॉप टू बैट्समैन दोनों टीम से कौन से रहेंगे जो आप चूज कर सकते हैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पाकिस्तान की टीम से आप ले सकते हैं बाबर आजम को, इन्होंने 40 मैच खेले हैं, 2551 रन है इनके, स्ट्राइक रेट 53.79 का है और एवरेज जो है 45.98 की है। ये थे इनके टेस्ट के स्टैट्स। सेकंड बैट्समैन आप पाकिस्तान की टीम से ले सकते हैं अजहर अली को, जिन्होंने अब तक 94 मैचेस खेले हैं, 7021 रन हैं इनके, स्ट्राइक रेट 41.89 का, एवरेज है 43.07 की है। अब बात करते हैं श्रीलंका टीम से आप कौन से बैट्समैन ले सकते हैं। श्रीलंका टीम से आप ले सकते हैं दसुन शनाका को, 42 मैचेस में 887 रन हैं इनके, स्ट्राइक रेट 94.56 का है और एवरेज 24.64 की है। उसके बाद आप ले सकते हैं धनंजय डिसिल्वा को, जिन्होंने 60 मैचेस खेले हैं, 1325 रन हैं इनके और स्ट्राइक रेट जो है 77.49 का है, एवरेज 27.04 की है। ये इनके ODI के थे। अब बात करते हैं दोस्तों बॉलर्स की, कौन से बॉलर्स आप ले सकते हैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो विकेट ले सकते हैं। पाकिस्तान की टीम से आप ले सकते हैं हसन अली को, 19 मैचों में 74 विकेट लिए, इकोनॉमी 3.09 की है। उसके बाद आप ले सकते हैं शाहीन अफरीदी को, 24 मैचों में 95 विकेट अपने नाम किए और इकोनॉमी 5.51 की है। श्रीलंका की टीम से आप ले सकते हैं दुष्मंता चमीरा को, 42 मैचेस में 44 विकेट्स लिए हैं और इकोनॉमी 5.42 की है। तो चमिका करुणा रत्ने को ले सकते हैं, 18 मैचों में 16 विकेट्स अपने नाम किए, इकोनॉमी 5.54 की है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेडियम के कुछ हाईएस्ट रिकॉर्ड, टेस्ट फॉर्मेट में कौन से टीम ने हाईएस्ट स्कोर किए हैं, कितने किए हैं, किस डेट पे किया, किस टीम के अगेंस्ट किए हैं। हाईएस्ट स्कोर जो टेस्ट में बनाया है वो बनाया है बांग्लादेश की टीम ने, 638 पे ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका के खिलाफ 2013 में। उसके बाद इंडिया का इस ग्राउंड पे हाईएस्ट स्कोर 600 बनाए थे उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में। उसके बाद पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर है 600 पे 8 विकेट पे डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2000 में। उसके बाद की जो टीम्स है दोस्तों वो है श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। यही 6 टीम्स है जो रिपीट हो रही है इसमें। टॉप 10 हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस जो जिन्होंने खेले हैं इस ग्राउंड पे, हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट के, वो इन्हीं टीम्स ने बनाए हैं हाईएस्ट स्कोर जो बनाए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टॉस फैक्टर के बारे में, कि टॉस फैक्टर क्या होने वाला है इस ग्राउंड पे। अगर कोई कैप्टन टॉस जीतता है तो बेसिकली क्या चूज करेगा पहले, कौन से फॉर्मेट में। तो अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जो है 21 मैच जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 10 मैच जीती है। तो बेसिकली टेस्ट में क्लियर हो चुका है कि मतलब अगर कोई कैप्टन टॉस जीता है तो वो पहले बैटिंग चूज करेगा, क्योंकि बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पे ज़्यादा मैचेस जीत चुकी है। अब बात करते हैं ODI फॉर्मेट की। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जो है 3 मैच जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 5 मैच जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो है 194 रन का है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 186 रन का है। तो बेसिकली अगर कोई कैप्टन यहाँ टॉस जीतता है तो वो सेकंड बॉलिंग के लिए जाएगा, मतलब फर्स्ट बॉलिंग के लिए जाएगा, सेकंड बैटिंग करने के लिए जाएगा, क्योंकि पिच जो है बॉलिंग पिच है, स्पिन फ्रेंडली पिच है और अपने स्पिनर्स को ज़्यादा इफेक्टिव स्पिनर्स को प्लेइंग इलेवन में ज़्यादा मौका देंगे खेलने का, क्योंकि उनकी वो ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है फास्ट बॉलर से। पिच भी जो है बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, स्पिन फ्रेंडली पिच है। तो इसलिए अगर कोई कैप्टन T20 फॉर्मेट में टॉस जीतता है तो बेसिकली जो है फर्स्ट बॉलिंग के लिए जाएगा।
दोस्तों ये थी इस मैच की मैच प्रिडिक्शन, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट मैच की मैच प्रिडिक्शन। अगर आपको इस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट भी चाहिए, गैले इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, एक एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना भी दबाना, बेल आइकन भी दबाना क्योंकि बेल आइकन से आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अलविदा दोस्तों।